और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जो कि महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, डॉक्टर MS कंवर साहब जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, और समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर हैं इमेज स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी हमारे साथ हैं जो कि सरकार के वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम से भी जुड़े हैं। भाटी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सरकार बहुत तेजी से अब इस पे है, हमने देखा कि एक दिन तो 80 लाख के ऊपर का आंकड़ा, फिर थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, और अब सभी सरकारी एजेंसियां कह रही हैं कि 1 करोड़ का लक्ष्य बांध के चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं 21 तारीख से अगर वैसे बात करें तो अब इजीली लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, प्रोडक्शन जिस तरह से कोविशील्ड अभी काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इवन सरकारी जो एजेंसीज है उनको तो उनके टारगेट्स भी काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, और बहुत सारे सरकारी सेंटर्स भी ऐसे हो गए जो 24/7 चल रहे हैं, और इसके अलावा काफी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनको अप्रूवल मिला है जो ऑन साइट जाके वैक्सीन कर पाए, कॉर्पोरेट्स में भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है, और फिलहाल आज मैंने देखा है कि काफी सारी प्राइवेट एजेंसीज के पास स्पेसिफिकली स्पूतनिक के लिए भी गई है रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, स्पूतनिक के लिए भी गई है, तो आई थिंक स्पूतनिक भी अब जल्दी, जिस तरह से अभी देख रहे थे कि उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, पर वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो वैक्सीन की अभी उस तरह से अब नहीं हम कह सकते कि डिमांड की अभी इस तरह से कमी आ रही है। हाँ, बाकी जो आपने ये बताया भी, आज जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं जो गैप वाला, गैप को लेके जो हमारी अवेयरनेस वाली कमिटीज है उसके अंदर फिर से कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, क्योंकि उनकी अब काफी सारे ऐसे हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया, तो उसमें वो थोड़ा सा उनके बार बार फिर से बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस कि अब सेकेंड डोज ड्यू हो गया तो क्या हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, क्या हम और बढ़ाएं। इसमें अभी जैसे डॉक्टर ओम श्रीवास्तव ने भी बताया बिल्कुल ठीक तरीके से कि अभी का जो एक गैप चल रहा है स्टैंडर्ड गैप, ये लेके हम चलें तो ज्यादा ठीक रहेगा थोड़े और समय तक, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि 2 या 3 बार जैसे चेंज हुआ था हमारा 28 दिन का, फिर उसके बाद 6-8 वीक्स वाला, और उसके बाद 12-16 वीक्स, अब जो 12 हफ्ते वाला आया था, 12 हफ्ते वाला भी काफी स्टडीज के बाद आया था, जो लैंसेट में भी पब्लिश हुआ था कि आपका जो सिंगल डोज है उसके बाद आपका 55% के करीब एफिकेसी शो कर रहा था, और 12 वीक्स के बाद 81.3 जो है आपकी एफिकेसी थी, और उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में पहले भी डेटा पब्लिश हुआ था उसमें भी इंटरवल अगर 12 वीक्स रखा था तो उसमें 65-88% एफिकेसी थी, तो इस तरह की जो स्टडीज आई है वो सजेस्ट कर रही थी कि लगभग 12 हफ्ते के अंदर जो है इसकी एफिकेसी काफी अच्छी रहती है, तो अभी फिलहाल हम वही 12 हफ्ते वाला लेकर चल रहे हैं। और दूसरा इसमें एक और भी जो चीज है काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि डेटा भी और ज्यादा थोड़ा सा कलेक्ट होगा उसके बाद, क्योंकि हमने देखा है एक तो जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था और सिंगल डोज लग गई तो उन लोगों में अलग तरह का एंटीबॉडी टाइटर था, जिनको सिंगल डोज लगा फिर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, इस तरह के भी क्लाइंट पेशेंट्स थे, उनमें एक अलग तरह का एंटीबॉडी टाइटर था, तो ये काफी सारी चीजें और सामने आने वाली है। एक्चुअली सिर्फ लोगों को, दर्शकों को जानने वाली बात ये जरूरी है कि ठीक है ये सब रिसर्च आती रहती है, बैकएंड में इसका जो है चलता रहता है काम, पर इसके लिए अपनी जो अभी फिलहाल की गाइडलाइंस है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना क्वेश्चन, और बिल्कुल, अभी बिल्कुल। के लिए जो टाइम दिया हुआ है कोई समझौता आपको नहीं करना है। गुड पॉइंट सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जो इस समय जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है हम लोगों को वही फॉलो करनी चाहिए, इसको बार बार आगे पीछे करने में हमारा नुकसान है, क्योंकि ये सारी चीजें इस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये तय होती है, जिसमें आपको जितना फर्क आप रखना चाहते हैं 2 डोजेस के बीच में उसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है अपने देश में, अपने लोगों में, और जो वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। इस वजह से एक बार आपने ये तय कर लिया है कि यही सबसे सबसे उचित किस्म का समय है, तो आपको उस बगैर कुछ जाने हुए इस किस्म की चीज को चेंज करने में मैं समझता हूँ हम लोगों का नुकसान है। समीर भाटी साहब, एक अलग सवाल आपसे, लेकिन आप आई थिंक इसका एक सही बढ़िया जवाब दे पाएंगे। मैं देख रहा हूँ वेबसाइट्स पर, आप जहां भी जा रहे हैं, यहाँ वो अभी बहुत सारे एडवर्टाइज आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी कंपनी का, लेकिन प्रॉम्प्ट हो रहे हैं 250 रुपए के आसपास आपके होम टेस्टिंग किट आने लग गए, पाउच में देख रहा हूँ कहीं आपके फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे वो दिख रहे हैं, जहां पे आप उन्हें मंगा लें, घर पे टेस्ट करें, और एंटीजन टेस्ट है, क्या ये इफेक्टिव है, क्या ये कुछ सही रिजल्ट देने के लायक है?
देखिए, जिस तरह से एंटीजन टेस्ट के लिए हम शुरू से बता रहे हैं कि कुछ लिमिटेशंस तो ज़रूर रहती रहती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप सिम्टमेटिक है और टेस्ट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो जो हम एंटीजन टेस्ट किट जो घर के लिए यूज़ हो रही है, जो एंटीजन टेस्ट किट लैब्स में यूज़ होती है, दोनों का वही एक सेम चीज़ है कि उसका हमें फिर फॉलोअप ज़रूर करना है। अगर आप सिम्टमेटिक और नेगेटिव आ गया तो फिर आपको बैठना नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर देखने वाली। डॉक्टर कंवर, एक और बात सामने आई है कि इंटरनेशनली ट्रेवल करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए होता है, उसमें एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को तो मिला है, लेकिन कोविशील्ड पर, जो कि भारत निर्मित हो रही है, इन्हें दोनों एक ही वैक्सीन है लेकिन जिसका निर्माण भारत में हो रहा है, उस पर आपत्ति आ गई है। तो क्या एक ही फॉर्मूले वाली वैक्सीन सिर्फ वो एक जगह एक देश में बन रही है और दूसरी जगह दूसरी देश में बन रही है, क्या उसमें भी अंतर हो सकता है? ये सरप्राइजिंग है बड़ा, क्योंकि एक ही वैक्सीन है, वो वैक्सवेरिया वर्जन कहते हैं जिसको, तो दोनों सेम वर्जन है, कोई फर्क नहीं है, डोज में कोई फर्क नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? प्रॉबेबली ये हो सकता है कि इन्होंने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल्स ना ली हो, इसकी सेपरेट अप्रूवल्स हो सकता है लेनी पड़ती हो, तो दिस कुड बी रीजन। अदरवाइज तो ये सरप्राइज ही है कि जबकि सेम वैक्सीन है तो उसका अप्रूवल क्यों नहीं मिली। मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं मानता कि क्योंकि इंडिया में बन रही है इसलिए उनके क्वालिटी कंट्रोल में कोई उनको इश्यूज दिख रहे होंगे,